एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ जो कैमरा के पीछे है लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस और शेयर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमने करी, क्या खाना हम लोगों ने खाया और हमारी आइटनरी आखिर वहाँ पर क्या थी। हम लोग मतलब मैं और सौरभ रह रहे हैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से यूरोप में, और इस 12 ईयर्स में हमने यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ तो अभी तक नहीं देखी बट मैक्सिमम कंट्रीज़ देख लिए, और इसलिए हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं विथ रिगार्ड्स टू द ड्रीम ट्रैवल दैट यू वांट टू डू इन यूरोप। लोग पूछते हैं क्या हम एक वीक के लिए यूरोप आ जाए तो हमारा ट्रिप कैसा होगा, या हमें 15 दिन के लिए आना चाहिए, या हमें फुल 3 मंथ्स के लिए आना चाहिए। अगर हम आते हैं तो हम कौन सी कंट्रीज़ एक साथ देख सकते हैं, क्या हम पूरा यूरोप का सारी कंट्रीज़ देख सकते हैं हमारे एक ट्रिप के अंदर, हमारा बजट क्या होना चाहिए, हमारे कपड़े क्या होने चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हाउ यू शुड प्लान योर यूरोप ट्रिप, आप अपनी यूरोप ट्रिप आखिर कैसे प्लान करें। सो नाउ लेट्स गो। जब आप अपना यूरोप ट्रिप प्लान करते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपका जो पूरा प्रोसेस है ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस से वो सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर दिया है, तो आप ये सारे फैक्टर्स क्यों पे फोकस करेंगे तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो फुली स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और आप अपनी ट्रिप को ऑसम बना सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स क्या क्या हैं, लेट्स टेक आउट, मैंने फुल नोट्स बनाए हैं। तो वो फैक्टर्स हैं बजट, ट्रैवल ड्यूरेशन, यूरोपियन डेस्टिनेशन कैसे कंबाइन होनी चाहिए, टाइम टू विजिट, ट्रैवल रूट आपका क्या होना चाहिए, वीज़ा, फ्लाइट एंड अदर असेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, अकोमोडेशंस, ट्रैवल विद इन यूरोप, प्लान योर इटनरी, इटनरी क्या होनी चाहिए एंड व्हाट टू वेयर इन यूरोप। तो ये सारे फैक्टर्स इस पूरे वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है बजट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बजट कितना है तो जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे डिसाइड करने के लिए। कई बार आप जब इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं तो आता है कि आप ना इतने से बजट में आप पहुंच जाएंगे और आराम से घूम लेंगे 15-20 दिन के लिए, तो ऐसे चीज़ों के लिए फॉल मत होइए। वैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सब चीज़ों का प्राइस भी बढ़ गया है, तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आए कि आप सिर्फ ना 15,000 में 20,000 में ऐसे पहुंच जाएं कहीं तो वो सही नहीं है। तो आपका बजट कितना होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 डेज़ के लिए एटलीस्ट आपको चाहिए 70,000 से लेके 1,00,000 रुपीज़। अगर आप कंफर्टेबली ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कंफर्ट वाला ट्रैवल, तो आपको चाहिए एटलीस्ट 1,00,000 to 2,00,000 पर पर्सन 10 डेज़ के लिए। और अगर आप लग्जरी प्लान कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो कोई बजट ही नहीं है, वो तो बिल्कुल जितना लग्जरी चाहिए उतना ही कम होता है, तो वो अनलिमिटेड है। थिंक अबाउट योर बजट बेस्ड ऑन योर ट्रैवल स्टाइल एंड ड्यूरेशन एंड बी केयरफुल ऑन व्हाट इज़ रिटन ऑन इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे लिखा रह सकता है कि आप चीप में आ सकते हैं बट उसके लिए हो सकता है कुछ वियर्ड फ्लाइट के कॉम्बिनेशन बताएं जो 3 दिन में आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाएँ, और आपके 10 दिन में अगर आप 3 दिन सिर्फ आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचने में लगाने वाले हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3 महीने का आप यूरोप ट्रिप कर रहे हैं और 3 दिन लगा रहे हैं यूरोप के उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डजंट। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कि आपको कितने दिन के लिए आना चाहिए यूरोप में, मतलब ट्रैवल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी सारी कंट्रीज़ घूमनी है। जब आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको मिल सकता है वो मिलता है 3 मंथ्स के लिए। सो 3 मंथ्स से ज़्यादा तो आप आ नहीं सकते हैं, बट मिनिमम आपको कितने दिन के लिए ट्रैवल प्लान करना चाहिए, तो 1 वीक ना बहुत कम पड़ जाता है। 1 वीक में तो आप बस आएंगे ही आएंगे और फिर जाने का ही टाइम हो जाएगा, तो 1 वीक भी बहुत कम है। तो हमारा सजेशन ये होगा कि अगर आप आते हैं और फर्स्ट टाइम यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं और मेजर डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट आइए 2 to 3 वीक्स के लिए। तो प्लान करिए अपना यूरोप का ट्रैवल एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स और मिनिमम फॉर 10 डेज, इससे कम के लिए तो बिल्कुल प्लान मत करिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है यूरोपियन डेस्टिनेशंस। आपको आखिर यूरोप में
कौन कौन सी डेस्टिनेशंस में घूमना है, कौन सी कंट्रीज मतलब कवर करनी है, और वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप सब इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही, और इंस्टाग्राम की फीड को स्क्रॉल करते हुए कुछ ना कुछ रील्स ने या पिक्चर्स ने आपको इम्प्रेस किया ही होगा और आपने सेव किया ही होगा। आप क्या देखना चाहते हैं? आप ट्यूलिप्स देखना चाहते हैं नेदरलैंड्स के, या फिर आइफल टावर पे ऊपर जाके सनसेट देखना चाहते हैं, या आइसलैंड में जाके नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हैं, या फिर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा में ऐसे खड़े होकर ऐसा पिक्चर खिंचाना चाहते हैं? सोच रखा होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए। और वो कैसे आप करेंगे? तो जो यूरोप है वो 6 डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है स्कैंडिनेवियन जोन, फिर है वेस्टर्न यूरोप, फिर आता है साउथ ऑफ यूरोप, साउथ ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप। और इन जोन्स की कंट्रीज को आप एक साथ मैच करके फिर कवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा प्लान मत करिए कि अगर आप 10 डेज के लिए आ रहे हैं तो आइसलैंड, फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं इटली और फिर ग्रीस, क्योंकि ये सब ना 3 अलग डिफरेंट जोन में है। जब आप ट्रैवल प्लान करेंगे ना तो ऐसा लगेगा तो सही कि 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे ना आइसलैंड से इटली और इटली से फिर 2-3 घंटे में ग्रीस। हाँ, ऑन पेपर तो सब कुछ सही लगेगा, बट जब आप रियलिटी में करेंगे ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, फिर आपको उस सिटी में पहुंचेंगे, फिर होटल में पहुंचेंगे, तो वो जो पूरा एक दिन है ना, लगेगा कि 2-3 घंटे ही तो हैं बट वो पूरा एक दिन जाता है और आप थक जाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत प्लान करिए यूरोप का एक उधर एक इधर एक उधर, बिकॉज इट्स नॉट एन इफेक्टिव एंड अ गुड प्लान। तो जब आप प्लान करें तो फिर एक साथ एक कंट्रीज़ को प्लान करें। और वो कैसे करना चाहिए तो हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। बहुत हवा चल रही है, नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स में हमेशा ना विंड बहती रहती है, मतलब विंड चलती रहती है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आप कैसे प्लान करें। तो आप प्लान करिए एक साथ पेरिस, स्विट्ज़रलैंड और इटली को, क्योंकि ये सब ना पास पास हैं और ये एक साथ 10 दिन में कवर किए जा सकते हैं। या फिर आप प्लान कर लीजिए सेंट्रल यूरोप की वो 3 कंट्रीज़ को, जैसे कि प्राग, बुडापेस्ट और वियना। तो ये इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। और हम लोगों ने उसके एक सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके आइटनरी अगर 10 डेज़ की हैं और आप अगर पेरिस, स्विट्ज़रलैंड और इटली कवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो में जाके वो देख लीजिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कि व्हाट मंथ यू शुड ट्रैवल टू यूरोप। आपको कब ट्रैवल करना चाहिए, ईयर के कौन से मंथ में यूरोप आपको बेस्ट दिखेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको आखिर यूरोप में देखना क्या है। अगर आपको फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स के ट्यूलिप्स देखने हैं तो स्प्रिंग मंथ सबसे बेस्ट होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अभी नेदरलैंड्स आ रहे हैं, हमें क्या ट्यूलिप्स दिखेंगे? तो आंसर है नहीं। ट्यूलिप्स जो दिखेंगे वो दिखेंगे सिर्फ स्प्रिंग मंथ्स में, और स्पेसिफिकली दिखेंगे अप्रैल मंथ में सबसे बेस्ट दिखते हैं। वैसे ट्यूलिप्स के फील्ड होते हैं मिड मार्च से लेके मिड मे तक। सिमिलरली अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखनी हो फॉर एग्जांपल, तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको आना चाहिए विंटर मंथ्स में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और तभी आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए आइसलैंड या फिनलैंड का। बट अगर ये क्वेश्चन आंसर करना है कि बेस्ट मंथ्स यूरोप घूमने के लिए कौन से होते हैं, तो वो होते हैं समर मंथ्स। और समर मंथ्स आखिर क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि तब जो डे लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 17 आवर्स की। सुबह 5 AM पे सनराइज होता है और अराउंड 10:15, 10:30 पे सनसेट होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डे लाइट मिलेगी सारे जगहों को कवर करने के लिए। बट समर मंथ्स इज ऑल्सो द मोस्ट बिजीएस्ट एंड एक्सपेंसिव मंथ्स, क्योंकि तभी सारे बच्चों की छुट्टी होती है, तो सभी लोग यूरोप घूमने आते हैं। और इसलिए जब अगर आप समर मंथ्स में प्लान करेंगे तो आपका बजट ना स्काई रॉकेट हाई हो जाएगा। तो हमारा टिप ये होगा कि आप जो यूरोप का ट्रिप है वो प्लान करिए समर मंथ्स के अलावा। और अगर समर मंथ्स में प्लान कर रहे हैं तो हाँ, ये ध्यान रखिए कि बिज़ी मिलेगी, हर चीज़ आपको बिज़ी मिलेगी, तो उसके हिसाब से ही अपना एक्सपेक्टेशंस बना के आइए। क्योंकि आप कोई भी म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो लंबा सा क्यू खड़ा होगा, किसी ब्यूटिफुल से स्पॉट पर अगर पिक्चर खिंचाना चाहते हैं तो भी लंबी सी क्यू लगी हुई होगी। तो समर मंथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट उसके एडेड बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अगर समर मंथ्स में ही छुट्टी है तो तभी आ सकते हैं। नहीं तो सजेशन ये है कि आप आइए थोड़ा समर मंथ से पहले, क्योंकि जैसे होगा अप्रैल या मई में, या फिर थोड़ा सा समर मंथ्स के बाद जैसे सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि तब तक विंटर्स नहीं आए होंगे।
विंटर्स में भी क्या एक्सपेंसिव होता है यूरोप, वो डिपेंड करता है आपके डेस्टिनेशन पे। तो अगर आप जैसे फिनलैंड जाना चाहेंगे तो वो विंटर कंट्री है, आप वहाँ समर में जाके कुछ मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे विंटर वंडरलैंड होता है और क्रिसमस फेस्टिविटीज़ होती हैं, तो तब फिनलैंड एक्सपेंसिव होगा। अभी आप समर्स में फिनलैंड जाएंगे तो देयर इज़ नथिंग टू सी, तो सब कुछ आपको चीप में मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू शुड डिसाइड कि आपको कौन से मंथ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्रैवल रूट। बट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रैवल रूट? तो हम लोगों को बहुत सारे लोग ना अपना पूरा ट्रैवल प्लान भेजते हैं और फिर बोलते हैं प्लीज़ इसे चेक कर लो, और उस ट्रैवल प्लान में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वो होती है कि उनका ट्रैवल प्लान ना ऐसे zigzag होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्लान होता है कि पहले पेरिस आते हैं, फिर पेरिस से वो स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहते हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड से फिर वो वापस एम्स्टर्डम आते हैं, फिर एम्स्टर्डम से फिर वो इटली जाना चाहते हैं, फिर इटली से वो वापस बेल्जियम आना चाहते हैं, और फिर बेल्जियम से फिर पेरिस, और फिर पेरिस से वापस उनका इंडिया का फ्लाइट। सो दिस इज़ ज़िगज़ैग, क्योंकि अगर आप मैप में लेके बैठेंगे तो पेरिस इधर है, इटली इधर है, फिर वापस एम्स्टर्डम इधर है, फिर स्विट्ज़रलैंड उधर है। तो ऐसा बिल्कुल प्लान मत करिए, क्योंकि इससे हो सकता है ट्रैवल के फ्लाइट्स आपको चीप मिल रहे हों क्योंकि बजट एयरलाइंस हैं, बट उसमें आपका पूरा दिन वेस्ट होगा, आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट होगी, और इतना घूमने आ रहे हैं तो अगर थोड़ा स्ट्रीमलाइंड होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैप में हम बताते हैं कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए अगर आप पेरिस, बेल्जियम, एम्स्टर्डम, इटली और स्विट्ज़रलैंड घूमना आ जाते हैं। तो आप पहले इंडिया से पेरिस आ जाइए, पेरिस से बेल्जियम चले जाइए, बेल्जियम से फिर एम्स्टर्डम आइए, ये तीनों ना पास पास हैं। फिर एम्स्टर्डम से आप फ्लाइट करके जा सकते हैं स्विट्ज़रलैंड, या ट्रेन करके या कार से गो टू स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से फिर घूम के फिर आप जा सकते हैं इटली, क्योंकि इटली बिल्कुल साउथ में आता है, तो इटली में घूम के मिलान से रोम, वेनिस सब कुछ कवर करके फिर रोम से आप वापस इंडिया जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है लोग ना पूरा वापस रोम से पेरिस आते हैं और फिर इंडिया जाते हैं, क्योंकि टू एंड फ्रो फ्लाइट कर लेते हैं एक साथ बुक। तो टिप ये होगा कि आप जब अपनी फ्लाइट बुक करें ना तो उसे मल्टी सिटी बुक कर सकते हैं, मतलब आपका जो आने का डेस्टिनेशन है वो पेरिस हो सकता है और जाने का रोम से हो सकता है। दैट विल बी रियली कॉस्ट इफेक्टिव, और आपकी टाइम सेव होगा, मतलब आपका डे पूरा सेव हो जाएगा और आपकी एनर्जी सेव होगी। तो ऐसे 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 प्लान करिए, ऐसा नहीं प्लान करिए कि पेरिस पे आ रहे हैं और फिर वापस पूरा रोम से पेरिस वापस आ रहा पड़ रहा है इंडिया जाने के लिए। आप पेरिस आइए, सब कुछ घूमिए और जाने की फ़्लाइट रोम से कर दीजिए वापस जाने की, और उसके लिए काफ़ी सारे साइट्स होते हैं, तो उसमें मल्टी सिटी ऑप्शन चूज़ करके ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वीज़ा, क्योंकि वीज़ा के बिना तो आप यूरोप आ ही नहीं सकते हैं, और यूरोप आने के लिए लगता है शेंगेन वीज़ा, और इसके लिए हम लोगों ने एक पहले पूरा वीडियो बना रखा है, बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें ना अपडेट हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं एक वीडियो जिसमें फुल डिटेल बताएं कि आप अपना शेंगेन वीज़ा कैसे लगा सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड विल मेक अ फुल डिटेल्ड वीडियो ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा। आजकल शेंगेन वीज़ा के साथ साथ कोविड के डॉक्यूमेंटेशंस भी लगते हैं, और वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं। मोस्टली सारी कंट्रीज़ में थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। बट एक बार आप जहां आप जाना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि अभी लेटेस्ट रूल्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस को लेके चलिए। नेक्स्ट जो आपको चाहिए होगी यूरोप आने के लिए वो है मनी, करेंसी। और यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ में तो यूरो चलता है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ यूरो नहीं चलता है, जैसे स्विट्ज़रलैंड या फिनलैंड या नॉर्वे, बट सब जगह मोस्टली आपका कार्ड स्वैप हो जाता है। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आइए जो कि इंटरनेशनली एक्टिव हो, या डेबिट कार्ड लेकर आइए जो कि यहाँ पे एक्टिव हो, और उसको स्वैप कर सकते हैं। कुछ करेंसी लेकर आइए, बट ध्यान रखिए कि यूरोप है तो कुछ कुछ जगह पे ना पिक पॉकेटर्स भी हैं, और उसका मैंने एक बहुत स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है कि आपको पिक पॉकेटर्स किस तरीके के स्कैम्स करते हैं, उसके लिए मैंने पेरिस में एक वीडियो बनाया, तो वो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे सारे स्कैम्स होते हैं। तो कुछ करेंसी लेके आइए और सबको है ना अलग अलग जगह रख दीजिए, सब एक साथ तो बिल्कुल मत रखिए। और करेंसी आप कन्वर्ट करा सकते हैं यहाँ पर आकर, या फिर आप इंडिया से ही लेकर आइए। अगर आप एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कराते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है चार्ज, बट अगर आपने कहीं नहीं कन्वर्ट कराई है तो आप एयरपोर्ट पे भी कन्वर्ट करा के लाइए। थोड़े बहुत करेंसी यूरोप में इट्स इम्पॉर्टेंट।
Now, it's time to move on to another factor, which is accommodation and another location as well. Let's go. आपको अपने सारे डेस्टिनेशंस पता चल गए, आपको कौन कौन सी जगह घूमना है, आपने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है. सो नाउ इट्स टाइम टू बुक योर अकोमोडेशन. और अकोमोडेशन कैसे बुक करेंगे वो डिपेंड करता है आपके ट्रैवल स्टाइल पे. आप क्या हॉस्टल में रहना चाहते हैं, आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, आप होटल में रहना चाहते हैं. तो अगर आप बिल्कुल बजट में आ रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या कपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं. अगर आप कुक करना चाहते हैं, आप वेजिटेरियन हैं एंड यू डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड इन होटल्स, तो फिर आपको अपार्टमेंट बुक करना चाहिए. वहाँ पर आपको किचन मिल जाएगा और आप वहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं. मगर आप अगर होटल में रहना चाहते हैं जहाँ पर एवरी थिंग इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यू, ब्रेकफास्ट आपको सुबह सुबह मिल जाए, रेस्टोरेंट्स हों, तो आप होटल में रहिए. हाँ, हमारा टिप ये होगा कि जो अगर आप मेजर सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे अगर पेरिस में रह रहे हैं, एम्स्टरडैम में रह रहे हैं, प्राग में रह रहे हैं, बुडापेस्ट में रह रहे हैं, तो फिर अपना सिटी सेंटर में ही अपना होटल या अपार्टमेंट या हॉस्टल को बुक करिए. क्योंकि इससे आपको जो आपका कम्यूटिंग टाइम होगा फ्रॉम वन टूरिस्टिक डेस्टिनेशन टू अनदर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, वो कम हो जाएगा और मनी भी सेव होगा जो कम्यूट का मनी लगता है. हाँ, अगर आप सेंट्रल में रहते हैं तो प्राइजेस ना हाई रहते हैं, अगर आप सेंट्रल जो एरिया है उससे बाहर रहते हैं तो अब हम वैसे यूजुअली बुक करते हैं हमारे accommodationbooking.com से, बट बहुत सारी वेबसाइट्स और भी, एयरबीएनबी से भी बुक करते हैं, तो आप उससे भी बुक कर सकते हैं. कुछ जो हमारे फेवरेट होटल्स हैं वो, उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम रील चेक कर सकते हैं. कुछ हम हमारे लिंक्स नीचे भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू शुड बुक योर अकोमोडेशन. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रैवल विद इन यूरोप. मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी कैसे ट्रैवल करें, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. आप रेंटल कार ले सकते हैं, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर द फेमस ट्रेन से यूरोप को ट्रेन से एक्सप्लोर कर सकते हैं. वैसे ट्रेन से ट्रैवल करना ना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू यहाँ की बजट एयरलाइन से ट्रैवल करना. यहाँ पर जो बजट एयरलाइंस चलती हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. हाँ, ट्रेन एक्सपेंसिव होती है यहाँ पे, तो ट्रेन से ट्रैवल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा यूरोपियन ट्रेन्स को कवर करके बताएं कि ट्रेन से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. वैसे बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कार से कैसे ट्रैवल करें, वो पॉसिबल है क्या इंडिया से आए, कार रेंट पर लें और ट्रैवल करें. हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. आप डिफरेंट सिटीज़ को कवर कर सकते हैं, आप एक रेंटेड कार ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं. बस लेकिन आपको RTO में जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंटरनेशनली एक्टिव कराना पड़ेगा और तब जाके आप ये कर सकते हैं. और भी तरीके हैं वैसे यूरोप को ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए थोड़े एडवेंचरस तरीके हैं, वो है साइकिल. आप साइकिल से भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइकिल रूट्स होते हैं, तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं. और एक और तरीका है, वो है कैंपर वैन. आजकल काफ़ी लोग ना कैंपर वैन से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. यहाँ के लोकल लोग तो ना कैंपर वैन से ही एक्सप्लोर करते हैं यूरोप को, बट जैसे आप आइसलैंड जाते हैं तो आप कैंपर वैन ले सकते हैं रेंट पे और फिर उसको, उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. टोटली डिपेंड करता है आपका स्टाइल क्या है, आपका बजट क्या है और आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स पे. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड प्लान इज़ योर डे बाई डे इटनरी. आप अपनी डेस्टिनेशन में जाके आखिर करने क्या वाले हैं. आजकल कोविड के कारण एवरीथिंग इज़ बुक्ड ऑनलाइन इन एडवांस, तो आप पहले से ही जाके, मतलब ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए और बुक कर लीजिए. जैसे अगर आपको आईफिल टावर को टॉप से देखना है, वो ऑनलाइन ही बुक हो जाता है. आपको अगर टर्की में जाके वो हॉट एयर बलून राइड करनी है, वो तो इनफैक्ट 3 months इन एडवांस बुक हो जाता है. तो अगर आप लेट हो गए ना, तो आप वहाँ सोच रहे हैं आप वहाँ जाके बुक कर लेंगे, तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो वो सब चीज़ें आप पहले से ही प्लान कर लीजिए. हम लोगों ने आपके साथ अपने ट्रैवल की बहुत सारी आइटनरीज शेयर करी है और उसकी सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. तो आप कंट्री वाइज देख लीजिए कि आपको कौन सी कंट्री घूमनी है और उसकी आइटनरी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी, तो आप एग्जैक्टली उसको वैसे वैसे फॉलो कर लीजिए, तो आपका ट्रैवल प्लान ना काफ़ी ईजी हो जाएगा. एंड द लास्ट फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर इज
what to wear. और वो डिपेंड करता है कौन से मंथ में आने वाले हैं. अगर आप विंटर मंथ में आ रहे हैं तो फुल जैकेट एंड पूरा थर्मल वेयर सब और ग्लव्स एंड ऊपर का कैप बिनी एवरीथिंग मफलर एवरीथिंग इज़ नीडेड. अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो टोटली डिफरेंट वेदर होता है. बट समर्स में भी डू ब्रिंग योर जैकेट बिकॉज ना कभी भी चेंज हो जाता है. जैसे आज है, आज ना अभी हमारा समर चल रहा है बट इट्स सो विंडी और आप देख ही रहे मैंने स्वेटर पहना हुआ है बिकॉज विंड्स आ रहे हैं और दिस विंड्स आर रियली फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. तो बहुत चली चली हो रहा है यहाँ पर. सो जैकेट तो हमेशा लेके आइए चाहे समर में आ रहे हैं, ऑटम में आ रहे हैं, स्प्रिंग में आ रहे हैं, विंटर में आ रहे हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज शूज़. यूरोप में काफ़ी चलना पड़ता है, काफ़ी मतलब बहुत. हम लोग जब भी घूमने जाते हैं ना, जैसे हम पेरिस गए थे तो हम या हम लंदन गए थे, हम पर डे 10-12 किलोमीटर्स का वॉक कर रहे थे. सो आपको पिक्चर्स में कई बार दिख जाएगा कि स्टाइलिश शूज़ एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली डजेंट वर्क, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है. अच्छे शूज़ पहन कर आइए ताकि तभी आप इन्जॉय कर सकेंगे. नहीं तो अगर जैसे आपने समर के में सोच के आए कि समर के क्लोथ्स पहने हैं और हील्स पहनी हुई हैं तो आपका पूरा फोकस ना फिर ठंडी में और प्रॉपरली आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आपको शू बाइट हो रहा है, इसमें ही चला जाएगा और आप सुंदर सी जगहों को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे. तो बेस्ट है कम्फर्टेबल कपड़े पहनिए, अच्छे कम्फर्टेबल शूज़ पहनिए और फिर यूरोप आइए. अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली व्हाट टू वेयर पे और डिटेल वीडियो बनाएं तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तो फिर स्पेसिफिकली ना व्हाट टू वेयर इन यूरोप उसका डिटेल वीडियो बनाएंगे. तो ये थे वो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप अपना यूरोप का ट्रिप प्लान करना चाहते हो. हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है और सारी इन्फॉर्मेशन दी है. बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और हम फिर और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देंगे. और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी और चीज़ के बारे में जो हमने फैक्टर्स बताए उसमें से किसी के बारे में अगर डिटेल वीडियो और बनाना चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा. हमने हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स भेज दी है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और आप चाहते हैं कि अगर हम किसी और ट्रैवल कंट्री की किसी की ट्रैवल रिलेटेड इटिनरी और बताएं इन डिटेल्स तो वो भी बताइएगा. देन विल शेयर अनदर वीडियो विद द फुल आइटनरी एंड आप उसको ऐसे का ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड प्लान इट. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब जगह शेयर करिएगा ताकि सभी की जो एक ड्रीम होती है ना यूरोप घूमने की वो आसान हो जाए और फुल हो जाए, फिलफिल हो जाए, मतलब कर सके वो अपनी ड्रीम को कंप्लीट. और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.